दीप श्रीवास्तव पियो धर्मता श्रीवास्तव। सीतापुर में महिला वर्दीधारी ने अपने पुरुष सहकर्मी पर गलत व्यवहार का आरोप लगाया है। आरोप ये भी है कि शिकायत दर्ज कराने से धौली कोतवाली पहुंचने पर उसे और उसके पति से अभद्रता कर कोतवाल ने भगा दिया। कोतवाली गेट पर दंपत्ति ने मीडिया को बयान देकर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। सिधौली कोतवाली क्षेत्र के अटरिया में रहने वाली मीरा प्रांतीय रक्षा दल की सीतापुर इकाई में कार्यरत है। महिला पीआरडी का आरोप है कि उसके ही विभाग में कार्यरत पीआरडी जवान राकेश अक्सर उसके साथ गलत व्यवहार करता है। इसकी शिकायत कई बार विभागीय अफसरों से की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आरोप है कि आईटीआई मुख्यालय से कार्रवाई के आदेश दिए गए तो प्रदीप श्रीवास्तव और वीओ नम्रता श्रीवास्तव ने जबरन सिधौली कोतवाली में सुलह करा दिया। महिला पीआरडी का आरोप है कि सिधौली कोतवाली तहरीर लेकर गई तो कोतवाल आलोक मणि त्रिपाठी ने अभद्रता करते हुए भगा दिया। पूरे मामले पर महिला पीआरडी का क्या कुछ कहना है आप भी सुनिए। मेरी आईटीआई में इस समय धर्मपुर आईटीआई में पोस्टिंग है, मैं वहीं ड्यूटी कर रही हूँ। क्या हुआ है पूरा प्रकरण आपका? पूरा प्रकरण ये हुआ है मेरे साथ, राकेश ने जबरदस्ती तो मेरी ड्यूटी लगवाई पहली बात। वहाँ पे जबरदस्ती ड्यूटी लगवाने के बाद वहाँ पर आते हैं, मैं ड्यूटी चेक करने आ रहा हूँ, मैं ये करने आ रहा हूँ, मैं मुझे मैम ने भेजा है, मुझे इसने भेजा है, मुझे इतना रुपया दीजिए, मुझे ऐसे पैसे दीजिए, मैं चेक करने आया तो मुझे पैसा चाहिए, ये है वो है, तो मैं किस चीज़ का पैसा है, तो मैं किस चीज़ का पैसा दूँ, किस चीज़ का पैसा? राकेश कौन है आप? राकेश वो भी पीआरडी जवान है। ठीक है, हम लोग के विभाग के ही हैं। आपका आरोप है कि कुछ जबरदस्ती हाथ वाथ छीनक? जबरदस्ती मैं एक दिन 15 तारीख की रात में निकल रही थी वहाँ ड्यूटी पे 8:30 बजे के टाइम पे, वो आए दारू पिए हुए आए और मेरा हाथ जबरदस्ती खींच लिया। उसके बाद मेरे हस्बैंड जब आए, हस्बैंड को देखा तो भाग गए तुरंत। ठीक है, फिलहाल आपने थाने में तहरीर दिया है? थाने में तहरीर दिया, लाए थे फिर मेरे ऑफिस के लोगों ने बुलाया मुझे वहाँ पर बुला करके फिर मुझे दबिश डाल करके, मतलब बहुत उत्पीड़ित कर करके कि बेटा आप सुलह कर लीजिए इनसे, सुलह कर लीजिए, इनको बचा दीजिए, आप कम से कम अपने वर्दी की इज्जत देखिए, अपने बेल्ट की इज्जत देखिए, अपने बिल्ले की इज्जत देखिए, अपने विभाग की इज्जत देखिए। तो कैसे मैं कैसे देखूं, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मैं विभाग और अपनी वर्दी की इज्जत देखूंगी? अच्छा, और भी कुछ करें कि सोशल मीडिया के द्वारा? सोशल मीडिया के द्वारा अभी भी जब मैं वहाँ सीतापुर से एप्लीकेशन लिख करके आई हूँ सुलह वाला, फिर भी उसके बाद ये व्हाट्सअप करके सोशल मीडिया से मुझे पीड़ित कर रहे हैं कि मैंने उनके साथ ऐसे किया, मैंने उनके साथ वैसे किया, मैं उनके साथ एक साल से मेरा ऐसा अवैध व्यवहार है, उनसे ये है वो है, जब है नहीं तो आप कैसे कह रहे हैं? ठीक है, फिलहाल आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। महिला पीआरडी के साथ सिधौली कोतवाली पहुंचे उसके पति अनिल ने कोतवाल आलोक मणि त्रिपाठी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभी मैं और करूंगा, मैं मुझे न्याय नहीं मिलेगा। अगर मेरे साथ कोई ट्रस्टी होती है, कोई घटना होती है तो उसके जिम्मेदार डीओ प्रदीप श्रीवास्तव पीओ धर्मता श्रीवास्तव लिख लीजिएगा, और एसएचओ अशोक मणि त्रिपाठी साहब है, 24 घंटे या 36 घंटे में जब भी मेरे जिंदगी और मेरे परिवार के साथ कुछ भी होता है उसके जिम्मेदारी ये 3 लोग हैं। जबरन मुझसे वहाँ पे सुलह कराया गया, मैं सुलह मेरी बीवी को प्रेशर डाल के पुलिस ने कहा, उसने कहा कि पुलिस में कुछ नहीं होता है, जबरदस्ती सुलह करा के यहाँ पे फैक्ट भिजवा दिया। और साहब को मैंने जब 3 बजे उसको भेजा तो कहा कि यहाँ से आपने सुलह कर लिया, यहाँ से कुछ नहीं होगा। मैं अभी साहब मैं फिर गया दोबारा लिखने कि राकेश हमको प्रताड़ित कर रहा है समाज में, मार्केट में, सब जगह मेरी बेइज्जती कर रहा है। उसके बाद में मैं आज अर्जी देने साहब को, उन्होंने साहब ने एसएचओ साहब ने अशोक मणि त्रिपाठी साहब ने हम और हमारी बीबी और हमारी शाली तीनों को गाली देके भगा दिया है। मेरा एफआईआर नहीं लिखा इन्होंने और मुझे कहा आपके मुकदमा लिखाना है तो आप बटरिया में जाइए, आपका सिधौली में नहीं लिखा जाएगा। मेरी बीबी का हाथ पकड़ा गया यहाँ। सिधौली कोतवाली प्रभारी आलोक मणि त्रिपाठी ने महिला पीआरडी व उसके पति द्वारा लगाए जा रहे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि दोनों पक्षों ने रजामंदी से सुलह किया था, महिला पीआरडी कार्रवाई चाहती है, इसलिए उनके कमांडेंट को पूरे मामले से अवगत करा दिया गया है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।